जी सर, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह को कौन सा इंसान पसंद है? आसान तरीके से समझाएं। अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह ताला को कौन सा इंसान पसंद है। देखिए, अल्लाह ताला को सच्चाई पर चलने वाला इंसान पसंद है, जो जीवन की सच्चाई पर और दुनिया की सच्चाई पर गौर करता है और दुनिया को समझता है कि ये दुनिया धोखे का घर है। यहाँ कभी भी हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मौत का घर है, ख़तरों का घर है। और जीवन की हकीकत पर गौर करे कि मुझे मेरे बनाने वाले मालिक ने गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है, तो लिहाजा मैं गंदे पानी के कतरे से बना हूँ। जिसने मुझे बनाया है, तारीफ़ उसके लिए है। तो इंसान अपने आप को गंदे पानी का कतरा समझकर धरती पर चले, अहंकार में ना चले, घमंड में ना चले, और जितने भी प्राणी धरती पर हैं किसी को तकलीफ़ ना दे, उनमें सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझे, सबकी इज्जत करे, सबकी कदर करे, और अपने दिल दिल में जो है दुनिया के किसी भी इंसान के खिलाफ़ नफ़रत कपट ना रखे। अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना के आधार पर अपने अंदर अच्छाई पर, पूरी तरह अच्छाई पर चले, पूरी तरह बुराई से बचे। अल्लाह ताला के हुक्मों को पहचान कर कुरान मजीद के द्वारा।